नमस्कार, मैं प्रवीणा गावित। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। दो उड्डयन पुल और एक भुयारी मार्ग का काम होने के बावजूद भी थाना बेलापुर रास्ते पर वाहनों की भीड़ जैसे थे वैसे ही है। दो उड्डयन पुल और एक भुयारी मार्ग का काम होने के बावजूद भी थाना बेलापुर रास्ते पर वाहनों की भीड़ जैसे थे वैसे ही है। नई मुंबई में सबसे ज्यादा वाहतूक होने वाले मार्ग में थाना बेलापुर का समावेश है। राज्य में सबसे बड़ी औद्योगिक वसाहत इस परिसर में है और ठाणे मुलुंड के साथ कल्याण की ओर जाने वाले वाहन इस मार्ग से ही जाते हैं। हमेशा होने वाली ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए शासन ने MMRDA की ओर से घनसोली से तलौली के बीच 1451 मीटर लंबाई का उड्डयन पुल बनाया है, परंतु वाहतूक की यातायात जैसे थे वैसे ही है। थाना बेलापुर मार्ग पर सबसे गंभीर स्थिति तुर्बे रेलवे स्टेशन के सामने है। नागरिक इस स्टेशन से आते जाते हैं, इस वजह से सुबह और शाम ट्रैफिक की समस्या होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, MVTV न्यूज। तुर्बे गांव में हो रहे भारी वाहनों के गैर कानूनी पार्किंग से नागरिक परेशान है। तुर्बे गांव में हो रहे भारी वाहनों के गैर कानूनी पार्किंग से नागरिक परेशान है। केवल पार्किंग के बहाने से गांव के छोटे से रास्ते से बड़े वाहन प्रवेश करते हैं और वहां के प्राचीन रामतनु माता मंदिर के दीवार को टकराने से मंदिर के दीवार टूटने की वजह से ग्रामस्थ नाराज है। नई मुंबई में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है और गाँव को इसकी ज्यादा तकलीफ होते नजर आ रही है, परंतु पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद भी उस जगह के शुल्क से बचने के लिए कई लोग रास्तों पर वाहन खड़े करते हैं। यह प्रकार तुर्बे गांव और परिसर में कई जगहों पर देखने मिला है। रामतनु माता मंदिर के सामने तालाब के बाजू में बड़ी मात्रा में टेम्पो रिक्शा खड़े किए जाते हैं। यह सभी वाहन मेफको मार्केट में के है, ऐसे स्थानिकों का कहना है। इस वजह से पहले से रास्ता छोटा है और उसी रास्ते पर आधे से ज्यादा रास्ते पर वाहन खड़े करने से अन्य वाहनों को आने जाने में तकलीफ होती है और तो और कम जगहों में से बड़े वाहन भी ले जाने का प्रयत्न करते हैं। रास्ते के बाजू में रामतनु माता मंदिर के सुरक्षा दीवार को वाहन टकराने से दीवार के कई जगह टूट गए हैं। इस कारण वाहन चालक और ग्रामस्थ इनके बीच झगड़े होते हैं। उसके बाद भी परिसर के रास्तों पर भारी वाहन खड़े किए जाते हैं। तुर्बे गांव के साथ परिसर के अन्य रास्तों पर गैर कानूनी तरीके से भारी वाहन खड़े किए जाते हैं। इस कारण ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है और स्थानिकों की सुरक्षितता का भी गंभीर सवाल निर्माण हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, MVTV न्यूज। नई मुंबई के मोरबे धरण में आने वाले अक्टूबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना जल सटा है। नई मुंबई में पिछले 25 सालों में पानी की कभी भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2015 में कम मात्रा में बारिश होने के कारण नई मुंबईकरों को पानी कटौती का सामना करना पड़ा था। यह समस्या साल भर कायम रही। पिछले साल बारिश अच्छी होने के कारण यह चिंता मिट गई है। तब से मोरबे धरण के पानी साठे का लेखा जोखा लिया जा रहा है, इस साल भी लिया गया है। मोरबे धरण में आने वाले अक्टूबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना जल साठा है। पिछले साल समाधानकारक बारिश होने के कारण यह जल साठा है, लेकिन फिर भी मोरबे धरण और भरने के लिए इस साल 2600 मिलीमीटर बारिश की और जरूरत है, ऐसे अधिकारियों ने बताया है। मोरबे धरण 88 मीटर पतली को पूरा भरता है। पिछले साल 67.8 दशलक्ष घन मीटर पानी का साठा था। इस साल धरण की पातली 76.22 मीटर है। धरण में 91.07 दशलक्ष घन मीटर जल साठा है, इसलिए 22 अक्टूबर तक शहर को आवश्यक इतना पानी वितरण कर सकते हैं। इतना जल साठा मोरबे धरण में है। बारिश जल्द ही शुरू होने के आसार है। इस साल लगभग 2600 मिलीमीटर बारिश होने से मोरबे धरण भरेगा, इसलिए नागरिकों को किसी भी प्रकार के पानी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन सतर्क है, पानी का अच्छे से नियोजन किया गया है। आने वाले समय में नई मुंबई करों को योग्य प्रमाण में पानी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, MVTV न्यूज। हर साल बारिश के दिनों में प्याज के दाम में बढ़ोतरी होती है, इसलिए कई लोगों ने इस बारिश के दिनों के लिए जरूरत के अनुसार अभी से प्याज ले रखे हैं। हर साल बारिश के दिनों में प्याज के दाम में बढ़ोतरी होती है, इसलिए कई लोग इस बारिश के दिनों के लिए जरूरत के अनुसार अभी से प्याज लेकर रखे हैं। फिलहाल अच्छे प्रति के प्याज सस्ते दर में उपलब्ध है, इस कारण 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते इतना प्याज खरीदी करने के लिए वाशी के प्याज बटाटा के घाव बाजार में खरीदारों की संख्या बढ़ी है। 2016 में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो थे। 2017 में समाधानकारक बारिश होने से प्याज का उत्पादन अच्छा निकला था, लेकिन फिर भी बारिश के दिनों में प्रति किलो 40 रुपए दाम बढ़े थे। दिसंबर जनवरी 2017 में नया प्याज बाजार में दाखिल हुआ और प्याज के दाम भी ठीक है। तब प्रति किलो 35 से 40 रुपए होने वाला प्याज अब 20 रुपए में उपलब्ध है। इस वजह से बारिश के दिनों में प्याज के दाम बढ़ने से पहले ही ग्राहकों ने प्याज लेने की शुरुआत की है। घाउक बाजारों में हमेशा इस्तेमाल होने वाले प्याज के दाम प्रति किलो 7 से 12 रुपए है और ज्यादा दिन साठा करके रखने वाले प्याज के दाम 11 से 12 रुपए है। जुलाई महीने में प्याज के दाम बढ़ने को शुरुआत होती है,
इस कारण अप्रैल और मई महीने में रखे जाने वाले प्याज खरीदी करने के लिए नागरिकों की संख्या बढ़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले, एमवीटीवी न्यूज। राज्यों में बढ़ने वाले तेज धूप और गर्मी की वजह से बिजली की मांग में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। राज्यों में बढ़ने वाले तेज धूप और गर्मी की वजह से बिजली की मांग में बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। राज्यों में शनिवार 26 मई को इस गर्मी में सर्वोच्च ऐसी 20,746 मेगावाट बिजली की मांग महावितरण के क्षेत्र में हुई है। बाजार में से 1,300 मेगावाट बिजली लेके महावितरण राज्यों में के बिजली की मांग पूरी कर रहा है। मुंबई के बिजली की मांग का विचार करते महाराष्ट्र में बिजली की मांग 23,712 मेगावाट थी। इससे पहले 23 अप्रैल को विक्रमी 20,369 मेगावाट बिजली का वितरण महावितरण ने किया था। उसके बाद राज्यों में गर्मी बढ़ रही है। एक तरफ मौसमी वारे अंडमान में दाखिल हुए हैं, तो दूसरी ओर राज्यों में गर्मी की वजह से नागरिक परेशान है। बढ़ती गर्मी की वजह से राज्यों में बिजली की मांग भी बढ़ी है। शनिवार दोपहर को महावितरण के क्षेत्र में बिजली की मांग अब तक के विक्रमी ऐसी 22,746 मेगावाट पर पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचार में। तब तक के लिए नमस्कार।